अभिनेता अमित साध को उनके प्रेमी बहुत चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने चर्चित फिल्म काई पोचे, गुड्डू रंगीला, गोल्ड सुल्तान व सरकार तीन और वेब श्रृंखला ब्रीद और इसके दूसरे सीजन ब्रीथन इनटू द शैडोज में शानदार अभिनय किया है। शुरू से ही यात्रा करने के शौकीन अमित साध ने जब मन बनाया कि अभिनय और फिल्मों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, जिसको जानने और समझने और उसको अनुभव करने का अवसर केवल और केवल भारत की यात्रा करके ही लिया जा सकता है। इसी सोच को लेकर अमित साध निकल पड़े मुंबई से एक महीने की लंबी बाइक यात्रा पर। इस यात्रा के द्वारा वह भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, उनकी भाषा, उनके परिवेश से जुड़ने का अनुभव प्राप्त करेंगे। मुंबई से लद्दाख तक की बाइक यात्रा पर निकले अमित साध जब बालासिनोर, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे तो बेहद खुश नजर आए। दिल्ली पहुंच उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया के साथ प्रेस वार्ता में अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह शुरू से ही यात्रा प्रेमी है और इससे पहले भी काफी बार लद्दाख जा चुके हैं, लेकिन उनका यात्रा से मन नहीं भरता और मुझे साहसिक कार्यों को करने का उत्साह रहता है, इसलिए मैं बार बार अपने जुनून के चलते यात्रा पर निकल पड़ता हूँ और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है।60-70 किलोमीटर पहले कैनाल आता था, तो कैनाल दिखा, पानी दिखा, शाम हुई, एक सनसेट बहुत प्यारा हुआ, कुछ हवा चली, लोग दिखे, गांव के लोग दिखे हंसते हुए, शाम को जाते हुए भेड़ बकरियां गाय, ऐसे इसलिए निकला जो स्ट्रेस था वो दूर हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है एक फिलोसफी में है कि हम लोग जब छोटे थे तो पहाड़ में गए, तो पहाड़ जाने से हम सब डरते थे क्योंकि हमारा घर पेरेंट्स और सब पहाड़ी में, तो बोर्डिंग स्कूल से हम लोग को पहाड़ जाना पड़ता, और वो पहाड़ में जाते थे छोटे थे देख लो तो सब राउंड राउंड होता है, वो वॉमिट होता था, थक जाते थे। तो मैं हमेशा पापा से पूछता था कि क्यों जाते इतना पहाड़ों में, इतना कष्ट होता है, इससे अच्छा कहीं और चले जाते, फ्रेंड्स तो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ये जो संघर्ष है इसका जो जूस है, इसका जो रिवॉर्ड है, जब तुम वहाँ जाओगे नंदा देवी, पंचमचोली, त्रिशूल, तो वो हिमालय के रेंजेस देखोगे, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं अटक गया, तो मैं आज अपना हिमालय देखने कभी बाइक पे या किसी भी तरह साल में 2-3 बार पहुँच ही जाता हूँ हिमालय को, अलग अलग कोने से देखता हूँ। एंड पापा जी आती आती कि सही काम कर, सो अपने अपनी लाइफ में भी देखें संघर्ष जो है उसको क्रॉस करने के बाद लाइफ आनंद नहीं है। बिल्कुल जी, मुझे नहीं पता कि पहला सवाल ही इतना मतलब खत्म हो गया, बेसिक है ना। नहीं बहुत सही बात, खुद के लिए, क्योंकि पहले खुद को ठीक करना, खुद को इंस्पायर करना और खुद को सही रास्ते पे रखना सबसे पहला इंसान का फर्ज है। सो मैं अपने आप को इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, मेरे को बाइकिंग से, मेरे को बाइक पे रहना, बाइक चलाना, चीज़ें एक्सपीरियंस करना, एडवेंचर स्पोर्ट में बहुत रुचि है, और मैं कोविड के बाद कोई बड़ी राइड नहीं कर पा रहा था। सो मैंने बहुत प्लान से ये राइड की है, अपने आप को इंस्पायर करना, लोगों से मिलने के, इंडिया को वापस एक नई तरीके से एक्सपीरियंस करने के, एंड मेरी टीम में मेरी टीम बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत एडवेंचर स्पोर्ट करता हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ पूरी दुनिया में, बट ज़्यादा शेयर नहीं करता क्योंकि मैं अपनी लाइफ की काफ़ी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट करता हूँ अपनी लाइफ को। बट मेरी टीम ने इस बार मुझे बोला कि तुम्हें फैंस के साथ, मीडिया के साथ, इंडिया के साथ ये ट्रिप शेयर करनी चाहिए। सो मैंने उनसे कहा कि मुझे 1 महीना दो सोचने, लेकिन मैंने 2 दिन में उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, आई विल शेयर दिस ट्रिप विद द कंट्री, आई विल शेयर दिस ट्रिप विद माय फैंस, और जो भी मिलेगा मुझे रास्ते में मैं उसको हक करूँगा, उसको प्यार से आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुनूंगा। कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ को मिक्स कर देते हैं, मैं एक एक्टर हूँ सर, वो एक काम है,
जो कर रहे हैं वही काम है, हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम सब बराबर हैं। बट पैशन, ऐसा कभी कोई काम नहीं आना चाहिए जो हमें ग्रो करने से रोके, जो हमारे पैशन के आड़े आ जाए। तो मैं अपनी अपना काम करता हूँ बहुत शिद्दत से, एक्टिंग और काम करना मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। बट मैं लाइफ जीना नहीं छोड़ सकता, और जब आप लाइफ जीते हैं, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, जब आप लाइफ जीते हैं, बाइक चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप ग्राउंडेड रहते हैं, यू नो, ये जो पसीना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे कुछ फोटोज आए इंस्टाग्राम पर, मेरे मैं बहुत नॉर्मल हूँ, समय बाइक राइड में नॉर्मल ही होना चाहिए, और मेरे कितने फैंस हैं मुझे बोला आप ग्लो कर रहे, यू नो, मेकअप लगा के तैयार होके इतनी पिछली किसी ने नहीं बोला आज तक लोग, यू नो। सो मैं ये मेरे लाइफ का पैशन है, एंड अगर इस राइड के थ्रू मैं किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ, या किसी को थोड़ा प्यार दे सकता हूँ, या किसी के चेहरे में मुस्कुराहट ला सकता हूँ, आई थिंक उससे बड़ा मकसद ना लाइफ में कुछ हो सकता है, ना फिल्मों से, ना बाइकिंग से। सो दिस इज जस्ट माई, यू नो, माई जर्नी टू राइड थ्रू इंडिया, टू गो बैक टू लद्दाख, टू गो बैक टू हिमाचल, टू मीट दीज, यू नो, ब्यूटिफुल पीपल यू मीट। मैं परसों जोधपुर से 50-60 किलोमीटर पहले थक गया था, तो बाइक से उतरा, पानी पे निकले, वहाँ मुझे एक ट्रक ड्राइवर मिल गया, एंड एक छोटी सी छोटा सा पॉन्ड था वहाँ, पेड़ पौधों में बैठा था। सो एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सॉ मी, एक्चुअली डिडंट सी मी, ही सॉ द बाइक। तो अभी उनको कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कौन, वो बाइक की बातें करने लगे, तो मुझसे पूछा ये बाइक की कीमत कितनी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बड़े भाई, लेडीज की उम्र और बाइक की फिगर कभी नहीं पूछते। एंड मैंने उनसे बातें की, उनके लाइफ के बारे में बातें की, उन्होंने बहुत कुछ बताया। फिर फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा, तुम करते क्या? मैं एक्टर पिक्चर में काम करता हूँ, एंड लकीली वो सलमान खान के बहुत बड़े फैन है, तो उन्होंने सुल्तान देखी थी, बट मेरे को इस हालत में देखिए वो माने ही नहीं कि मैं उस पिक्चर में था। सो दीज आर एक्सपीरियंसेस, दिस इज रियलिटी, एंड मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इसका जो वजूद ज़मीन पर है, क्योंकि ज़मीन पर ही सच्चाई है, ज़मीन पर ही प्यार है, ज़मीन पर ही सब कुछ है। सो दिस इज जस्ट माई एफर्ट टू इन्जॉय लाइफ विद पैशन, एंड कीप फाइंडिंग इंस्पिरेशन, एंड कीप ग्रोइंग। सरकार को बताऊँ या किसी को भी बताऊँ, जी नहीं बिल्कुल, मैं तो हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल बंकर में बैठा हुआ सीखा, मैं सरकार से नहीं बट मैं हिंदुस्तान से एक चीज़ कहूँगा जो मैं अपने आप को रोज कहता हूँ कि जो भी आपके आगे है, जो आपके पीछे है, जो आपके दाएं हैं, जो आपके बाएं हैं, जब तक आप उससे प्यार नहीं कर सकते, जब तक आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब तक आप उसके लिए रेलेवेंट नहीं हो सकते, देश तो बहुत दूर है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा संदेश अपने लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए यही है कि हमें और सॉलिडारिटी होनी चाहिए, और हमें एक दूसरे का और सहयोग और साथ देना चाहिए। हम बहुत स्पेशल देश हैं, इस देश में जो कंपैशन, जो करुणा है वो है, बट हमें और करनी है। वी हैव टू बी काइंड, वी हैव टू बी बेटर, दैट्स इट। दिल्ली से बॉम्बे तब क्या था जब हाईवेज बन रहे थे, उसके बाद जो ट्रिप्स हुई हैं वो दिल्ली से शुरू हुई हैं। सो ये भी एक रीज़न था टू स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे। मैंने कहा यार 10 साल से ऊपर हो गया, मैं बॉम्बे से नहीं गया। दो कोविड में मैं पहाड़ों से वापस आया, मैं पहाड़ों में था, तो जब सब खुल रहा था तो मैं पहाड़ों से आया था, उस समय सब फ्लावर्स बन चुके थे, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ गाड़ी में। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यू नो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हाईवेज, लोगों के पास मोबाइल, हाँ लोगों के पास मोबाइल तो सर बोल, लोगों के आजकल तो बच्चों के पास मोबाइल है। सो है मतलब देखिए दो तरीके हैं चीज़ों में देखने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे लगता है नेगेटिव सिर्फ 10%, 90% तो प्रॉफिट पॉजिटिव ही है, तभी ये देश इतना आगे बढ़ना। सो पॉजिटिव ये है कि हाईवे बहुत अच्छे बन गए, यू नो, तो अभी मेरी 5 दिन के बाद भी बैक पेन नहीं हो रही है,
रोड डिसिप्लिन बड़ा है पहले से, बहुत बड़ा है। हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, मैं इतना इम्प्रेस हूँ 5 दिन में उनका डिसिप्लिन देखना। एक चीज़ जो पहले देखते थे जो थोड़ा गुस्सा आता था कि इंडिया में बाइकर को देख के लोग गुस्सा होकर और उसके मतलब उसके आड़े आ रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा 4-5 दिन। यू नो कल मैं जयपुर घुसते वक्त 40 डिग्री था, ट्रैफिक में फंसा था, तो उसमें एक ट्रक वाला था, तो उसका ट्रक क्या था, मैं इधर था इधर ट्रक था, तो मैंने ऐसे करके बोला मैंने भैया जाने दो इधर जाने दो। यू नो सो आई जस्ट फील कि जो रोड की जो डिसिप्लिन है 10-15 साल पहले जो थी वो उससे काफ़ी बेहतर हो गया। एंड ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो वी ऑल नो इज गेटिंग बेटर, एंड रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हो गए, तो जहाँ जहाँ जाएँ खाना भी अच्छा और फ्रेश मिल जाता है। अमेजिंग है। सो मैं यू नो व्हाट दिस इज द मैं को जो अनुभव मिल रहा है मैं उसको दे रहा हूँ। सो देयर वाज अ रॉयल फैमिली इन बालासनोर हु होस्टेड मी, बट वो इतने हम्बल थे, उन्होंने पूरे अपने गांव को बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे गांव से तो मिला मैं, मुझे बहुत खुशी मिली, बट मुझे उनके बारे में ये जान के कितना अच्छा लगा दस वी सर कि अगर वो चाहते तो सीधे मुझे अपने महल में ले जाते, अच्छा खाना खिलाते, मुझसे बात करते, और उन्होंने मेरा जो वो वक्त था अपने बारे में बताना, मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना, जो मुझे उन्होंने ज़रूर बताया, आई एंजॉयड इट, बट दे शेयर्ड इट विथ द पीपल कि एक हीरो आ रहा है बाइक पे। कई लोग तो मुझे वहाँ जानते भी नहीं थे गाँव में, आई थिंक इस ट्रिप का हीरो बाइक है। सो यस एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं कुछ चीज़ें ओपन रख रहा हूँ, प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हो सकता है किसी ट्रक ड्राइवर के घर भी चले जाऊँ उसके साथ रहने, जैसा मिलेगा यू नो वील इम्प्रोवाइज, बट इट्स टिल नाउ टुडे इज द 5th डे, आई एम ऑलरेडी वेरी ओवरवेलम्ड, इट्स बीन ब्यूटिफुल 5 डेज, यू नो एंड